स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने न्यू नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया। स्टूडेंट्स, हम आपको कंप्लीट अपडेट इस पर्टिकुलर वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर जो रहेगा 2 नवंबर 2021 को न्यू यहाँ पर नोटिस NTA के साइड से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साइड से रिलीज कर दिया गया। कंप्लीट डिटेल से डिस्कस करेंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, वीडियो को लास्ट तक देखना। आप सभी को बता दें, जो अभी कैंडिडेट जो रहेंगे जो यहाँ पर नीट UG रिलेटेड है, द कैंडिडेट ऑफ नीट UG आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट दिस टाइम एज पर द अनाउंसमेंट अर्लियर, ये सभी कैंडिडेट्स जो कि यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी को इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जो अनाउंसमेंट पहले की जा चुकी थी फॉर द रैंकिंग और द टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया एज द एज एज पर द पास्ट एक्सपीरियंस हैज़ नॉट बीन यूज्ड। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि पहले जो टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया था वो यहाँ पर एज रखा जाता था। अगर दो किसी कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स आते थे या फिर यहाँ पर हमें सेम यहाँ पर देखने के लिए मिलते थे, तो यहां पर जो टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया था वो एज को रखा जाता था। बट अभी जो है टाई ब्रेकिंग जो क्राइटेरिया है वो एज हटा दिया गया है। तो NTA ने यहां पर बोला कि जैसे कि हम लोग पहले बता चुके हैं कि यहां पर जो टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया था जो कि एज रखा गया था, वो यहां पर अभी नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग द फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक फॉर द काउंसलिंग इज विदाउट द टाई क्राइटेरिया ऑफ एज। मतलब अब की बार भी जो काउंसलिंग जो रहेगी वो अपनी जो है टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया एज के बिना ही रहेगी। हाउएवर पर बोला है कि ये जो क्राइटेरिया है ये हटा दिया गया NTA की साइड से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइड से स्टूडेंट्स पहले ही हटा दिया गया था ये, बट ये अभी जो है मेंशन किया जा रहा है ये बात। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर बोला है कि वैसे तो यहाँ पर यूनिक रैंक की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहाँ पर इसको इंटू यहाँ पर कंसिड्रेशन में इसको लेके भी आ सकते हैं। इन व्यू ऑफ द फॉरगोइंग इन प्लेस ऑफ फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट ऑल इंडिया रैंक फॉर द काउंसलिंग ए न्यू फील्ड नीट ऑल इंडिया रैंक हैज बीन मेंशन फॉर मोर क्लियरिटी, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक जो है मोर क्लियरिटी के लिए यहाँ पर मेंशन किया जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को बता दूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को NTA के जो है टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया, नीट के टाई ब्रेकिंग क्राइटेरिया नहीं पता तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आप सभी को बता दूंगी। बट आप लोगों के यहाँ पर नॉलेज पर्पज के लिए मैं बता दूँ कि जो यहाँ पर पहले एज को कंसिडर किया जाता था कि पास्ट प्रैक्टिस में जो है पास्ट ईयर्स में एज को कंसिडर किया जाता था कि एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर रैंक डिसाइड होती थी अगर दो कैंडिडेट सेम मार्क्स एक्वायर करते थे, बट अभी जो है उसको हटा दिया गया है। बस यही बात NTA यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर कैंडिडेट की इच्छा है, विश है, तो अपना स्कोर कार्ड दोबारा से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रख लेना है, स्कोर कार्ड आप लोगों को डाउनलोड जो है कर लेना। स्टूडेंट्स, ये था NTA की साइड से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की साइड से न्यू नोटिस। एंड आप लोग अगर BSc नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली बोलना चाहूँगी कि स्कोर कार्ड आप लोगों को चाहिएगा। स्कोर कार्ड से ही आप लोगों का एडमिशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे अच्छे गवर्नमेंट नंबर वन गवर्नमेंट कॉलेज में होने वाला है। तो स्कोर कार्ड ज़रूर डाउनलोड कर ले। अगर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है तो अगर आप लोग दोबारा से डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोबारा से भी कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।